मैंने एक कट इस पे ऐसे लगाया, ये इस तरीके से देखिए, एक कट मैंने यहाँ पे ये लगाया और दूसरा फिर मैंने दूसरे बार भी इसे यहाँ से मैंने एक, अब दूसरी जगह मोबाइल को स्टेबल करने के लिए मैंने दूसरी बार भी टेप लगाया यहाँ पे। और देखिए मैंने इसको एक जगह से और यहाँ निकाल दिया। आप लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगा, मैं कर नहीं सकता। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। देखिए अब ये दो चीज़ निकल गई है, यानी अब हम ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ इसे लगाऊंगा। ये मेरी पहली वीडियो थी जो मैंने बनाया था, मैं आपको पहली वीडियो का भी दर्शन कराऊंगा कि मैं मेरी पहली वीडियो किस टॉपिक पे थी। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि ये है हमारी कुर्सी, ये है हमारी कुर्सी। देखिए मैंने सामने ये जो बोर्ड है ना सामने, ये इस सामने बोर्ड था, मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन देखिए मैं इस मोबाइल को इस पे टांगता था इस तरीके से, सॉरी मैं इसको इस तरीके से इस पे लगाता था, इस तरीके से मैं इस पे लगाता था, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। ओके मैं इसको इस मोबाइल को इस तरीके से टांगता था और कुछ सेकंड के लिए वीडियोस वाइब्रेट करती हैं, मैं इसको इस तरीके से लगाया, उसके बाद मैंने वीडियो शूटिंग करना स्टार्ट किया। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैं पहली वीडियो जो बनाया था, मैं मेरी पहली वीडियो किस टॉपिक पे थी, मेरी पहली वीडियो किस टॉपिक पे थी। देखिए मेरी पहली वीडियो थी, मैं बेसिकली हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बताया था, यानी मुझे इंटरेस्ट था ना कि मैं ना पढ़ाऊँ, मैं लेक्चर्स लूँ, छोटे छोटे लेक्चर्स लूँ ताकि लोगों को समझ में आए। तो मैंने पहली वीडियो जो बनाया था वो हीमोग्लोबिन के बारे में थी, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के, जो बेसिकली जो रेड ब्लड सेल होता है ना, जिस रेड जिसकी वजह से होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, उसके बारे में मैंने पहली वीडियो बनाई थी। देखिए आप मैंने पहली वीडियो कैसे बनाई थी और मैं कैसा दिखता था। हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद अबान और आपका नई वीडियो में हमारा स्वागत है। हमारी नई वीडियो है हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि यार हीमोग्लोबिन पढ़ते तो हैं लेकिन इसका मतलब क्या होता है। हीमोग्लोबिन देखो, अगर हम सिंपल से बात करें तो हीमोग्लोबिन हमारा रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है। आपको समझ में आ गया मैंने पहली वीडियोस कैसे बनाई थी। लोगों को ये सवाल होता है कि मैं बोल नहीं पाता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले इंसान को क्या ज़रूरत होती है, इंसान को खुद पे यकीन होना चाहिए और अल्लाह सुबहाना व ताला पे उससे ज़्यादा यकीन होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर लूँगा, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर लूँगा। हाँ थोड़ी सी परेशानी मुझे ज़रूर आएगी लेकिन आप हैं मेरे अल्लाह, मैं कर लूँगा, आप हैं ना, मैं कर लूँगा। बस इंसान को इसी अज़्म के साथ शुरुआत देनी चाहिए किसी काम को। उसके बाद लोगों का ये सवाल होता है कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ व्यूज़ नहीं आते, मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ व्यूज़ नहीं आते। जाहिर सी बात है आप किसी काम को शुरू करेंगे तो लोग आपको कैसे जानेंगे। आप मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए। हर दिन आप ये सोचिए कि आज हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो और मैं आज जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतना करूँगा। रिजल्ट पे मत जाइए कि आपको आज की मेहनत का रिजल्ट मिला है कि नहीं, आप बस आज के लिए अपने आप को तैयार कीजिए कि मैं आज कोशिश करूंगा, आज मेहनत करूंगा, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट मुझे आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगा। आज अपने आप को बेहतर बनाइए, आप खुद ब खुद कल के लिए बेहतर बन जाएंगे। मेरे दोस्तों जो मेरा पहला